सुरक्षित रहिए और तमाम मानकों का पालन कीजिए जो सरकार ने तय किया है। कोरोना भागा नहीं है, हारा कुछ देर के लिए लेकिन भागा नहीं, खत्म नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर कोरोना एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी हमारे लिए बना हुआ है। वैक्सीनेशन भले हो रहा है लेकिन अगर हम लॉकडाउन के मुहाने पर खड़े नजर आएंगे, यदि हम उन चीजों का पालन नहीं करेंगे, हर जहन में ये सवाल है कि क्या एक बार फिर से 2020 की तरह से लॉकडाउन होगा। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे तो यही लगता है, लेकिन फिर भी मन में सवाल आता है कि चुनाव भी तो है, उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना सिर्फ होली, सरहुल और शबे बारात में थोड़ी फैलेगा। कोरोना तो असल में सेकुलर है, अमीर और गरीब को उसी शिद्दत से जद में लेता है। खैर, इन सबके बीच सवाल यह भी है कि झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, क्या कर रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शोर मत मचाइएगा, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। स्वास्थ्य सचिव दौड़ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री व्यस्त हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं ये हम बता देते हैं। रांची के अरगोड़ा में 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, पर स्वास्थ्य विभाग ने न इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, न इनका रिकॉर्ड विभाग के पास है, न इनकी पहचान स्वास्थ्य विभाग के पास है। तो फिर स्वास्थ्य विभाग आखिर कर क्या रहा है? हम बताते, स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन का कोरम पूरा करने में जुटा हुआ। आपको अगर शक है कि कोरोना आप पर दस्तक दे रहा है तो जाहिर सी बात है आप टेस्ट करवाने जाएंगे, पर झारखंड में फिलहाल टेस्ट ट्रैक का फंडा तो भगवान भरोसे है और ट्रीटमेंट की कहानी तो सबको पता ही। रांची के रिम्स स्थित ट्रॉमा सेंटर में 2 दिन पहले कुछ युवक कोरोना टेस्ट के लिए गए थे, क्या हुआ है वहां पहले आप देखिए। राज्य में एक बार फिर कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। हर दिन संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं चिंतित कर रहा है। लोगों को डर है कि शायद लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो दोबारा झारखंड राज्य में नहीं हो जाए। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर विभाग के पास हूँ। आपको पता होगा कि रिम्स का यह ट्रॉमा सेंटर है जिसे फिलहाल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया है और अभी भी करीब 30 से ज़्यादा कोरोना के बीमार, दूसरे बीमारियों से जो है ग्रसित मरीज इसी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में है। आपको कहीं भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा ऐसे में बढ़ सकता है। युवा भी हैं, इस राज्य के हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ जितने अभ्यर्थी हैं वो कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था विधि व्यवस्था के हम अनुसार के लग रहा है कि यहाँ कोई ना सुन रहा है किसी का, ना कर रहा है। जो यहाँ का स्टाफ है उसी का काम हो रहा है। और हम सुबह, मेरा नाम बुधवा उराव है, हम सुबह 4:30 बजे यहाँ आए थे और 10 बजे सैंपल देने लग के, और अभी तक फिर आए बोला कि 7 बजे शाम को मिलेगा रिपोर्ट, और अभी बोल रहा है कि इसी से हो जाएगा और हमको परेशानी हो रही है। अब आप सरकार की ताजा ताजा गाइडलाइन को देखिए, साफ साफ लिखा है कोरोना को ट्रैक कीजिए, कंटेनमेंट जोन बनाइए, पर क्या झारखंड में इनमें से कुछ भी हो रहा है? क्या रांची में इनमें से कुछ भी हो रहा है? जवाब है जी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि विभाग तो सो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, रांची से लगभग 100 मरीज रोज निकल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, झारखंड से रोज लगभग 200 मरीज निकल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब भी सो रहा है। बिल्कुल शोर मत मचाइएगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।